जय हिंद दोस्तों। भूतपूर्व सैनिकों, पेंशनरों और उनके डिपेंडेंट के लिए बता दें कि बड़ी खबर है कि एक फैसिलिटी ऐसी है जो भूतपूर्व सैनिकों को 10 दिन बाद बंद कर दी जाएगी उनके डिपेंडेंट को। क्या है फैसिलिटी? इस वीडियो में मैं यह भी बताऊंगा कि उसका निवारण कैसे करें, कैसे उसका समाधान निकालेंगे, ये जो फैसिलिटी कट होने वाली है इसको कैसे फैसिलिटी लेते रहना है वो भी बताएंगे। सबसे पहले वो लेटर दिखाते हैं। क्या है लेटर? आपको पता है कि ईसीएचएस ने कुछ दिन पहले कहा था कि अपने जो फादर मदर हैं और जो 18 साल से ऊपर के बच्चे हैं उनका उनका आपको इनकम सर्टिफिकेट जमा करनी होगी। तो इनकम सर्टिफिकेट जमा करनी होगी और उसकी डेट थी 1 अगस्त 2022 कहा था और लास्ट डेट थी 31 अक्टूबर 2022। यानी कि 31 अक्टूबर लास्ट डेट है। अगर इसमें जमा कर दी है इनकम सर्टिफिकेट तब तो आपकी ईसीएचएस कार्ड वैलिड रहेगा, नहीं तो 1 नवंबर को ईसीएचएस कार्ड ब्लॉक कर दिया जाएगा। अभी बताते हैं कि ये ईसीएचएस कार्ड ब्लॉक होने से पहले आपको क्या करना है, क्या इससे कैसे फ़ायदा उठाना है, तो आप इसको कैसे चालू करेंगे। तो आप ईसीएचएस में लॉग इन करके आप अपना ईसीएचएस कार्ड वैलिडेशन बढ़ा सकते हैं। तो लॉग इन करने के लिए आप ecss.source.infosys.com में जाके कर सकते हैं, नहीं तो लिंक भी मैं ईसीएचएस का दे दूंगा जिसके थ्रू आप डायरेक्ट जाके अपना वैलिडेशन कराएंगे। इसके बाद नीचे आएंगे, इसमें दिया है सेलेक्ट डिपेंडेंट आपको सेलेक्ट करने हैं। अगर उनका पैन कार्ड अवेलेबल है तो पैन कार्ड से आप भर सकते हैं, अगर पैन कार्ड नहीं है तो आप पैन कार्ड नॉट अवेलेबल तो दूसरा प्रोसेस है। जिनके पास पैन कार्ड है उनको क्या है, फॉर्म 26 अपलोड करके, यानी फॉर्म 26 डाउनलोड करके अपलोड करना पड़ेगा और इसके बाद ऑनलाइन डिक्लेरेशन फॉर्म भी उनको सबमिट करना पड़ेगा। दो काम ये करने पड़ते हैं। लेकिन जिनके पास पैन कार्ड नहीं है उनको क्या करना है, इनकम सर्टिफिकेट फ्रॉम स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से इनकम सर्टिफिकेट बनवानी होगी जिसमें जो इनकम दिखानी होगी मदर फादर की या बच्चे की वो 9,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ऑनलाइन डिक्लेरेशन फॉर्म भी उसमें जमा करना पड़ेगा, ये भी आपको निकाल के रखना है। डिक्लेरेशन का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कैसा डिक्लेरेशन फॉर्म होता है उसमें एक आपका डिक्लेरेशन ऐसा होगा कि ये मदर फादर की इनकी इनकम 9,000 से कम है, आपको एक डिक्लेरेशन ऐसे साइन करके देना होता है। तो ये काम करने पड़ेंगे। जो भी 9,000 से ज़्यादा जिनके पास इनकम है मदर फादर की तो वो पर मंथ 9,000 से ज़्यादा है वो इस अभी ईसीएचएस कार्ड की फैसिलिटी नहीं ले पाएंगे। अगर किसी के फादर मदर खेती किसानी कर रहे हैं तो उनकी अगर 9,000 से ज़्यादा भी है तब भी वो फैसिलिटी ले लेंगे। बता दें अगर किसी तरह की दुकान है आपकी और अगर आप टैक्स नहीं उसमें पे करते हैं तो आपको तब भी आप अपना इनकम टैक्स 9,000 का दिखा सकते हैं अपनी सर्टिफिकेट, यानी कि तब भी आप फैसिलिटी ले सकते हैं। अगर कोई दुकान उकान मदर फादर किए हुए हैं तब भी आप दिखा सकते हो, लेकिन आप उसमें टैक्स नहीं भर रहे हो, टैक्स भर रहे हैं तो आप टैक्स के दायरे में आ रहे हैं तब भी आप फैसिलिटी नहीं ले सकते हैं। अभी इसमें दिया हुआ है कि इसकी लास्ट 6 जुलाई का ये लेटर था, अब इसकी आज मतलब ये 1 अक्टूबर को लास्ट डेट हो जाएगी, उससे पहले आपको ये सारे काम कर लेने हैं। लेकिन प्राइमरी बेनिफिशरी बता दें जिसमें आपके जो बच्चे होंगे उनको 18 साल तक को नहीं देना है, लेकिन अगर आपकी वाइफ है तो आपके वाइफ का कार्ड ब्लॉक नहीं किया जाएगा। इसमें क्लियर दिया हुआ, पीसीडीए ने इसको क्लियर किया हुआ है, तो आप वाइफ की टेंशन नहीं लेना है, लेकिन मदर फादर का जरूर ध्यान रखें क्योंकि जब एज काफ़ी हो जाती है तो इनका इलाज भी काफ़ी आपको करना पड़ सकता है, जल्दी कराना पड़ सकता है, तो इसलिए ये काम पहले से करा लें। तो ये थी जानकारी ईसीएचएस कार्ड की, 1 तारीख से आपके कार्ड बंद हो जाएंगे जिन्होंने वैलिडेशन यानी कि अपना इनकम सर्टिफिकेट नहीं सबमिट किया है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करके रखें जिससे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू। जय हिंद।